अरे मनीष, तुम पिछले 26 दिन से रोज आ रहे हो, आज भी ऑफिस नहीं गए? नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस में उतना खास काम नहीं था और एक छोटा सा ही मीटिंग था, वो ख़त्म करके ही मैं डायरेक्ट यहाँ पे सीधा आ गया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम 26 दिन से जैसे हमें हेल्प कर रहे हो, हमारे पास रोज आ रहे हो। इस टाइम पे कोई रिलेटिव भी हमारे हेल्प नहीं कर रहा, बट तुम बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रहे हो। बट मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तुम्हारी ऑफिस लाइफ में या कॉर्पोरेट लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इशू नहीं हो रहा है ना? उसका टेंशन तुम मत लो, मैं सब संभाल लूँगा, मैं हूँ ना। थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच। कम, तुम जाओ बैठो, मेरा एक कॉल आ रहा है। ओके। हेलो हेलो, हाँ मैं करण के कॉलेज से बोल रही हूँ। एक्चुअली हमने तो अभी तक पूरा पैसा, अरे वो सब लेके आप टेंशन मत लीजिए, करण का एडमिशन हो गया है। हमें सच में पता नहीं था कि आप इतने प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। एडमिशन हो गया और बाकी जो फीस है उसको लेके आप टेंशन मत लीजिए, वो बाद में देखा जाएगा, हम लोग बाद में वो लेके बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक हो, तबीयत कैसा है? हाँ एकदम फिट हो ना? पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। सच्ची? हाँ दीदी ने बहुत ख्याल रखा और स्पेशली थैंक्स टू यू। दीदी तो अपना है बट आप इतने दूर होके भी, पराए होके भी आप इतना ख्याल रखे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एडमिशन हो गया है, मे भी कोई तुम्हारा फ्रेंड ने किया होगा, मुझे अभी कंफर्म नहीं पता। मैं कल जाऊंगी तो मैं जाऊंगी कौन किया रहे। अच्छा तो तुम लोग बात करो, मैं थोड़ा सा बाजार से आती हूँ। ठीक है, अभी बाजार जा रहे हो? हाँ डिनर के लिए कुछ लेना है। मनीष तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ लेना है तुम्हें? नहीं कुछ नहीं चाहिए। ओके okay, बाय। क्यों नहीं चाहिए? ऐसे ही कुछ खाने का मूड नहीं है। सुनो ना, मेरा लग रहा है थोड़ा बुखार आने वाला है, बहुत वीक लग रहा है, तो दीदी नहीं है क्या, तुम रुक सकते हो कुछ जब तक दीदी नहीं आती? हाँ हाँ एकदम से, मैं रुका हूँ तुम्हारे लिए। ये सिर का दर्द फिर से शुरू हो रहा है। पल की उठी में यूं ही दिल लगी में दिल
लेके प्यार आँखों में आओ ना, भीगे भीगे रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, आओ ना। धड़कनों गया है एक नगमा तेरे प्यार का, जैसे कोई सुर मिला है दिल के तार से, दिल के तार का पल की उठी में यूं ही दिल लगी में दिल गया, प्यार आँखों में लेके प्यार आँखों में आओ ना, भीगे भीगे रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आप अभी तक हो यहाँ पे? आप दीदी तो अभी तक नहीं आया, अगर आपका कोई काम है तो आप जा सकते हो। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा दीदी नहीं आ जाती तब तक मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ ही हूँ। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। और कुछ बात पूछना था आपसे। पूछो। दीदी को शायद नहीं पता होगा बट मुझे पता है कि क्या? मेरा कोर्स का फी आपने ही डिपॉजिट किया है ना? अरे नहीं, मैं नहीं, मैंने नहीं किया। आप झूठ बोलते हो। आप जब झूठ बोलते हो ना पता चल जाता है मुझे, भले ही सिर्फ 6 महीने से ही आपको क्यों ना जानूं। कोर्स फी देके भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ट्यूशन भी नहीं अफोर्ड कर सकता मैं आपका। तुम इतना टेंशन मत करो, पैसे का चिंता छोड़ दो और तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? अरे मैं हूँ ना, इतना टेंशन का क्या बात है? मतलब ट्यूशन फी आप नहीं लोगे? नहीं लूँगा। जब तुम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब वापस कर देंगे ना।